हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रीडिंग। एक क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वोलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट एंड कमेंट्स के लिए। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं ठीक इस वक्त, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, बैलेंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, उस रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन एंड ट्रुथ, ठीक है। 2 नंबर एंड 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके अलावा 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 का 222 हो सकता है आपको दिखाई देता हो, तो इसकी मैनिफेस्टो उसको यूट्यूब पे जाओ सर्च करो और उसके मीनिंग उसके हिसाब से एक्ट करो। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में अभी आप लोगों के बीच में कैरियर इशू चल रहा है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस होने की ज़रूरत है आप लोगों का, या तो आप लोगों का आपस में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या हो सकता है कैरियर और रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है कोई दो सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको देख करके अभी आपके लिए उनकी एनर्जी की बात करें तो वो भी वेटिंग मोड में है, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। हो सकता है अपनी कैरियर के सेटल होने का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, वो अभी तो उल्टे लटके हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बट आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों को भी अपने पास आने से रोक रहे हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, बट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। साथ में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में है, ठीक है। कोई ट्रुथ, कोई सच्चाई आप लोगों के बीच में रिवील हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको बता दें, या किसी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन से कोई सच आप लोगों के सामने आ सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हो सकती है, ये भी चीज़ है। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट हम ये भी कहेंगे कि हो सकता है कुछ लोग अपनी कोई उन्होंने जॉब का इंटरव्यू दिया हो, या कोई एग्ज़ाम दिया है कहीं से भी, जहाँ से जॉब या फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग कहीं से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आने वाला है, उसके लिए सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, यस, वो किसी मैसेज का कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो लोगों के केस में आपके पर्सन ने कहीं पर भी फाइनेंशियली लेवल पर स्टेबल मतलब इन्वेस्ट किया है, चाहे कोई एग्ज़ाम दिया हो, चाहे किसी बिजनेस में लगाया हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ें, ज़्यादातर लोग मुझे ऐसा लग रहा है कोई
डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया है जिसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। वहाँ से जैसे ही आएगा वो आपकी तरफ एक मैरिज का कम्युनिकेशन लेकर के आएंगे, ठीक है। मैरिज की मैरिज आपसे करनी है इतना उनको पता है, ठीक है। लेकिन पहले जॉब क्लियर हो, आपको मैसेज का आपके वेट कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं, किसी तरह सजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, आपको हील करना चाहते हैं। जो भी चीज़ रिश्ते में आप लोगों के बीच में ख़राब हुई है उसको वो हील करना चाहते हैं। उनको इतना पता है कि जिस दिन उनको जॉब मिल जाएगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उस दिन वो आपको कम्युनिकेशन दे, मतलब क्लियर आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मैरिज करेंगे, उस दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी तरफ वो तभी मैसेज लेकर के आएंगे जब उनके पास एक क्लियर सॉलिड ऑफर आपको देने के लिए होगा, तभी वो एक्शन लेंगे ना आपके लिए, ठीक है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं वो कि आपको देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले उन्हें अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है, एक न्यू बिगिनिंग उन्हें आपके साथ करनी है। बट फिलहाल अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हों, ये भी चीज़ है। एक्वेरियस और डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकते हैं आप लोगों के बीच फाइट्स चल रहे हों, कुछ आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, डिवाइन से आपको प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं। साथ में वो आपसे एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। एक बॉन्डिंग बहुत फील करते हैं, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा, इरिटेशन या इम्पेशेंट एनर्जी भी दिखाई देती है, मतलब गुस्सा कम बेचैनी ज़्यादा दिखाई देती है कि कोई काम हो क्यों नहीं रहा, बहुत उतावलापन किसी चीज़ में, जल्दी से हो तो करें, पजेसिवनेस भी दिखाई देती है, विश करते हुए दिखाई, मतलब बेसिकली बेचैनी है एक तरीके से हम ये कहेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके प्यार को वो एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, ठीक है। उन्हें मालूम है कि ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ तोहफा है उनके लिए और उसको वो जस्टिस, उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी थोड़े से लाइट मूड में है, फ्लर्ट करके रहना चाहते हैं, हर्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, मूड स्विंग्स यहाँ पे हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बर्डन बहुत हो रहा है, देखिए बर्डन किस बात का है, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन है आपके, आप लोगों के केस में दोनों के ही लिए चीज़ें हैं कि हाँ अभी आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं या कुछ चीज़ें हैं, कुछ निर्णय लिए जाने हैं आप लोगों के बीच में, आपको भी लेना है, आपके पर्सन को भी लेना है, क्योंकि चॉइसेस हैं आप लोगों के पास कि अभी क्या चुनना है, उनके डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के भी लेना, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी है, कोई सच्चाई सामने आ सकती है आप लोगों की, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। बर्डन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, कन्फ्यूजन है, ठीक है। कोई दो चॉइसेस हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ज़्यादातर कैरियर और आप हैं, ठीक है। तो इन्हें इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। ये एस ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है, ये डिवाइन की तरफ से दिए हुए प्यार को, आपके प्यार को समझते हो, और ये इन्हें बहुत बर्डन है कि ये कन्फ्यूजन में इनकी ज़िंदगी जा रही है और ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं बट फिर भी हम इसको कर लेते हैं, प्लीज वेंट्स, सेवन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस, ये पहले अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भूल नहीं सकते, इनको मालूम है कि ये भूल नहीं सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि इनको आपकी यादें बहुत आ रही हैं, आप उनके दिल दिमाग में बसे हुए हैं और ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये फिलहाल क्योंकि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा सकते जब तक इनका कैरियर स्टेबल नहीं होता, उधर से इनको कन्फर्मेशन नहीं मिलती, तो तब तक ये आपकी यादों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं इनका मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। यस, आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, बहुत परेशान है। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी, ठीक है। हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली में इस रिश्ते के रिगार्डिंग बात किया है, बट फैमिली शायद इसके लिए राजी नहीं है पूरी तरीके से और वो आपके लिए रो रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है। हो सकता है वो पैसे वाइज मॉनिटरी उनको वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, उनका कैरियर सेटल नहीं हो जाता, वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत डेस्परेट एनर्जी में है, ठीक है, वो आपके लिए रो रहे हैं। तो ये थी हमारी एनर्जी रीडिंग, अच्छी रीडिंग है। आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए अच्छे हैं, क्लेम करो, यूनियन क्लेम करो आप। और फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी यानी यूनियन ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कमेंट करो या फिर यूनियन कमेंट करो, रीडिंग को क्लेम करो, अच्छी रीडिंग है, ठीक है, वो खुद को बैलेंस करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।